पक्का ना माना हमें स्कोर के बारे में पापा को पता है ना? हाँ मैं हम स्कोर के बारे में पापा को बताएंगे कुछ बोलेंगे अरे ये यहाँ मुझे लगता है चोर है चोर 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 अरे हम लोग हैं क्या क्या बात कर रहे हो हम अपने घर की चोरी कर रहे हो हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे बेटा हम लोग वो लिफाफा ढूंढ रहे थे जो सुबह बापूजी ने मुझे मगन भाई को देने के लिए कहा था हाँ तो मगन काका के यहाँ ढूंढिए ना अरे नहीं नहीं मगन काका के वहाँ वो लिफाफा पहुँचा ही नहीं है उसके पहले स्मिता बहू ने कहीं खो डाला बहू तुम रो मत बैठो बैठो तो अच्छा है कि तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं है शांत हो जाओ मुझे बापूजी की डांट पड़नी चाहिए मैंने उनका कितना नुकसान कर दिया और तो उनका भरोसा भी तोड़ दिया अब तो मगन भाई को मदद भी नहीं मिलेगी बहू बहू तुम शांत रहो बस हम लोग तुम्हारे दादाजी के आने से पहले लिफाफा ढूंढ रहे कहीं इधर उधर खो न गया हो चल मैं हम भी वो लिफाफा ढूंढने में इनकी मदद करते हैं हाँ माँ प्लीज आप रो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा हमें वो लिफाफा मिल जाएगा घर में गिरा होगा तो मिल भी जाएगा लेकिन अगर बाहर गिरा होगा तो कोई उसे देखकर वापस भी नहीं देगा तुम रो मत बस शांत रह जाओ माँ प्लीज अब मत रो हाँ वरना हम भी रो देंगे नहीं 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 अब बहू नहीं रोएगी हाँ जाओ आप लोग कपड़े बदल लो फिर हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं जाओ जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई मैंने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा दिया ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बालवीर अब वो अंगूठी वहां सुरक्षित रहेगी नहीं जब तक मोगैम्बो गोमैंगो आजाद है तब तक उस अंगूठी पर खतरा बना ही रहेगा हम चाहे कोई भी सुरक्षा क्यों ना कर ले, लेकिन वो इतना शातिर है इतना चालाक है कि उस सुरक्षा को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा अगर ऐसी बात है तो उस अंगूठी के इतना पास होकर भी मोगैम्बो गोमैंगो ने इसे चुराया क्यों नहीं शायद उसे वहां के सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया होगा इसलिए यही बात तो हैरान करने वाली है बालपरी कि उसे संग्रहालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने देख कैसे लिया वो चाहता तो करामती कोर्ट की मदद से गायब होकर आसानी से चोरी कर सकता था फिर वो इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के सामने क्यों आया हो सकता है जो सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा हो वो मोगैम्बो गोमैंगो का प्रतिबिंब हो नहीं मुझे लगता है कि इस बार वो खुद वहां गया था फिर तो जरूर मोगैम्बो गोमैंगो कोई ऐसी चाल चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे अगर ऐसी बात है बालवीर तो परितारा और परिलोक के लिए खतरा बढ़ते ही जा रहा है माँ आप चिंता मत कीजिए उस खतरे के परितारा और परिलोक तक पहुंचने से पहले ही मैं करामती कोट और मोगैम्बो गोमैंगो को पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा काश ऐसा ही हो बालवीर नहीं तो हम हमारे परितारा और सच्चाई के प्रति परिलोक को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे अरे यार ये कितना मुश्किल काम है आपको समझदारी की बात समझाना ना नहीं ये होमवर्क करना बस आपके लिए तो हर वर्ग मुश्किल है नहीं मेरे लिए एक वर्ग आसान है क्या क्या दिन थे वो मानो मैं हमारा होमवर्क करते थे और बालवीर आने के बाद तब से मुझे मेरा होमवर्क खुद करना पड़ता है क्या झूठ बोलते हो बॉस आपका होमवर्क हम करते तो है ना हाँ अब तुम्हारा होमवर्क देखने के बाद मुझे सब मुर्गा बना देते काश हमारे पास कोई जादू होता हमारा होमवर्क अपने आप कंप्लीट हो जाता वो मैजिकल कोट तो था ना लेकिन अपनी होशियारी की वजह से वो भी चला गया पिज्जा और बर्गर खाने से ज्यादा मजा आया था मानव और मेहर को मेंढक और पंछी बनाकर तो ठीक है
चलो। हाँ बॉस, पिज़्ज़ा और बर्गर खाने। मैजिकल कोट लाने। लेकिन बॉस, हम वो मैजिकल कोट लाएंगे कैसे? बड़ा आसान है बेटा। देख, हम मानो मेल के घर जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमसे ये होमवर्क हो रहा नहीं है। उन्हें कहेंगे कि वो मैजिकल कोट हमें दे दे, होमवर्क होने के बाद हम उन्हें वापस कर देंगे। अच्छा, इतनी आसानी से हमें मैजिकल कोट मिल जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बट हाँ, इतनी आसानी से एक चीज हो सकती है। बेवकूफो, मानो मैं तुम दोनों जैसे बेवकूफ नहीं है जो इतनी आसानी से वो कोट दे दे। हमें वो कोट चुराना पड़ेगा। समझे? अब बोलो, व्हाट एन आइडिया बॉस। चुप, व्हाट एन आइडिया बोलने का टाइम नहीं है। फॉलो मी। मानव, पैसे खोने की वजह से मम्मी रो रही है। हाँ मैर, और जब दादाजी और पापा मम्मी को डांटेंगे तब तो और भी रोएंगी। हाँ, काश हमें वो पैसे मिल जाए, क्योंकि मैं मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं भी, पर मैं खोए हुए पैसे वापस तो नहीं आ सकते ना। मैर, हम बालवीर को बुलाते हैं, वो जादू से पैसे ला देगा। हाँ माना, जादू करने के लिए बालवीर को बुलाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास जादुई कोट है? हम मांगेंगे पैसे इस कोट से। लेकिन मैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और पैसे मांगना सही नहीं है। देख माना, हम ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रहे, मगन काका के लिए मांग रहे। उन्हें जरूरत है इन पैसों की। और सोच, इन पैसों से माँ के चेहरे पर भी खोई हुई हंसी वापस आ जाएगी। हाँ मैं, तू सही कह रही है। लेकिन मैं, मानव देख, मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। और हम उतने ही पैसे मांग रहे हैं जितने की जरूरत है। शायद तू सही कह रही है मैं, मैं तो बेकार में डर रहा था। हाँ मानव, तू चिंता मत कर। ये इसे कहीं घर में रख देते। चल चल चल। लेकिन मैं, हम कहाँ रखे? सब तो बाहर है। अरे हाँ, वो भी है। माना, इससे पहले कि दादाजी यहाँ आ जाए हम दादाजी के कमरे में ये रख देते। हाँ चल। लेकिन मैं, अगर दादाजी हमसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए तो फिर हमें उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा कि हम झूठ नहीं बोलते ना। मानव, ये सवाल तो वो तब पूछेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि ये पैसे हमने रखे हैं, है ना? हाँ। और जब उन्हें ये पैसे मिलेंगे तब मम्मी को भी वही लगेगा ना कि मम्मी ने ऐसे दादाजी के कमरे में छोड़ दिया होगा। अब चले? गुड आइडिया। थैंक गॉड, तुझे समझ में तो आया। तो टाइम पास क्यों कर रही है? चल ना। कहाँ गया वो बच्चा? मुझे जल्द से जल्द अंगूठी चुरानी होगी ताकि मैं परितारा को हासिल कर सकूं। लेकिन मैं अपने करामती कोट के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। इतने बड़े शहर में उस बच्चे को कहां से ढूंढूंगा? अरे हाँ, मेरे पास मेरा जादुई पत्ता है जो
मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख सकता। उसकी मदद से मैं उस बच्चे को ढूंढ सकता हूँ। चमत्कार को नमस्कार। जाकर उस जादुई पत्ते पर उस बच्चे का हुलिया बनाओ। अब तुम मुझसे बचकर जा नहीं सकते बच्चे। जाओ जादुई पत्ते, उस बच्चे का पता ढूंढ कर लेकर आओ। ए, नहीं छोड़ूंगा, ये कोई तरीका है? तब देखो तब आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, जब देखो तब करके ख्याल देते सर। देखो पैसे ना मिलने पे क्या हाल किया बापूजी का? आप सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? पापा, ये आपने आपका हुलिया ऐसे क्यों बना के रखा है? अरे मैं अपना हुलिया ऐसे क्यों बनाऊंगा, उन्होंने बनाया है। माफ कर दीजिए बापूजी। माफ नहीं करूंगा, ये कोई तरीका है मोटरसाइकिल चलाने का? ओ, मोटरसाइकिल वाले बच्चों ने ये हाल बना के रखा है। तो तुम्हें क्या लगा किसने बनाया मेरा हाल? मगन काका ने। ए, मगन ऐसा क्यों करेगा? ये मगन से याद है, बहू तुमने मगन को पैसे दिए या नहीं? कहाँ रखे? बाद में पहले मैं जरा हुलिया ठीक कर लू, उसके बाद बात करता हूँ। ओ दादाजी ने ये लिफाफा मेरे हाथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? ये लिफाफा तो मैंने बहू को दिया था मगन भाई को देने के लिए, तो यहाँ कैसे? बहू कस्तूरी। अब सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है पैसों के लिफाफे के बारे में। मैं बताती हूँ, वो लिफाफा मगन भाई को बहू ने नहीं दिया है। पता है? हाँ मगन भाई का पता है। अरे मुझे पता है कि तुम्हें मगन भाई का पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या पता है? पता है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। बहू मैंने तुम्हें मगन भाई को देने के लिए लिफाफा दिया था, वो तुमने उसको क्यों नहीं दिया? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। हाँ हाँ भाभी आप पनिशमेंट मांगो। अरे पनिशमेंट नहीं बहू, तुम वो मगन भाई को पैसे बाद में दे देना। अरे इतने सारे पैसे बहू कैसे दे सकती है? ये लिफाफे में डालकर। वही लिफाफा खो गया है बापूजी। खो गया? मुझे लगता है पैसे खोने की वजह से बापूजी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बापूजी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा तो मैं पुलिस को बुलाओ? अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। बापूजी वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। बेटा तुमने उस लिफाफे को सारे घर में ढूंढा, लेकिन मेरी रूम में ढूंढा, इसीलिए वो लिफाफा तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि वो यहाँ पड़ा है। ओ बेटा लगता है कि तुम्हें ना जल्दबाजी में ये लिफाफा यहाँ पर भूल गई। लेकिन कुछ नहीं,
भगवान का शुक्र, पान का लिफाफा मिल गया और अब हंस दे। थैंक यू मैजिकल कोट, थैंक यू। रोती सूरत अच्छी नहीं लगती है, चल चल। चिंता मत कीजिए, हमें मोगेम्बो गोमेंगो के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? बालपरी, हमने मोगेम्बो गोमेंगो को हर जगह ढूंढा लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। हाँ, शायद वो अपने करामाती कोट की वजह से बहुत आसानी से हमसे छुप रहा है। मतलब जब तक वो खुद हमारे सामने नहीं आ जाता हम मोगेम्बो गोमेंगो तक नहीं पहुंच सकते। और वो खुद सामने तभी आएगा जब वो दोबारा अंगूठी चुराने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो अंगूठी चुराने के लिए आएगा, वो मेरे बनाए हुए सुरक्षा कवच में कैद हो जाएगा। लेकिन हमें तब तक उसे ढूंढना रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जितनी जल्दी वो हमारी कैद में आ जाए उतना अच्छा। और तब तक बाल्टी, आपको पृथ्वी लोक में अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, अभी तक खतरा टला नहीं है। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन आप सिर्फ परिलोक के ही रक्षक नहीं है बल्कि बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आप पर है। जी, आप कैसे भूल गए? आपके घर वाले भी चिंता में होंगे कि आप अभी तक लौटे क्यों नहीं। ठीक है माँ, जैसा आप सकते हैं। खो दिया, खो दिया बापूजी, इसने ये वो खो दिया। सुनीता, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता था उस लिफाफे में इतने सारे पैसे हैं, तुमने उसे खो कैसे दिया? बापूजी, सुनीता ने वो खो दिया। अब तक तुमने इस घर की चाबी 3 बार खो दी है और टिफिन हमेशा भूल के आते हो और तुम बहू को डांट रहे हो। लेकिन सुनीता, तुम इतनी बेध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? घर पे। किसके घर पे, किसके घर पे, किसके घर पे ध्यान रहता है इसका, किसके घर पे? एक जगह पे सीधा खड़ा रहे बापूजी। महेश, खड़ा हो बापूजी, खड़ा हो। बहू का ध्यान अपने ही घर में रहता है और वो पैसों का लिफाफा वो घर में ही भूल गई थी जो मिल गया है। घर में? मुझे पहले से पता था, मुझे पता ही था। पिता, तुम लक्कड़ हो सकती हो लेकिन लापरवाह कभी नहीं। वो मेरा लाल कलर का कोट जो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था वो अभी तक आया नहीं। हे भगवान, ये आपके चिल्लाने के चक्कर में मैं कोट के बारे में पूछना ही भूल गई। बहुत लक्कड़ हो गई हो स्मिता तुम। महेश, बापूजी मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। बच्चों, मानव यही सही मौका है पापा को इस मैजिकल कोट के बारे में पूछने का। लेकिन मेहर, ये मानव तूने मुझे प्रॉमिस किया था। ठीक है, ये लो पापा, आपका लाल कोट। अरे वाह, एकदम नया जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, पहन के देखता हूँ, ये मेरा फेवरेट कोट है। अरे देखा, ये ड्राई क्लीनिंग की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ गया था, एकदम नाप का हो गया। क्योंकि पापा ये कोट मैजिकल है और आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ पापा, ये जो भी पहनता है ये उसके साइज का हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना? मैं अब आईने में जाके देख के आता हूँ। बहू, महेश की बात का बुरा मत मानना।
अब मुझे मेरा करामाती कोट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसने हम पर ये कीचड़ उछाला? कौन है? कौन है वो जिसने हम पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की? कौन है? हाँ, मोंटू बॉस पर कीचड़ उछाला, इट्स ओके, लेकिन हम पर कीचड़ उछाला वेरी बैड, वेरी बैड। ओए टोपी, हम सेव पूरी खाने में मगन क्या हो गए? तूने पर कीचड़ उड़ाया। ए मोटू, मैंने किसी में भी कीचड़ नहीं उछाला। लगता है बस ये भी आपकी तरह ही है, हमेशा गलती करते। बस लगता है इस बार भी इससे गलती से हम पे कीचड़ उड़ गया होगा। गलती से या जानबूझकर, लेकिन मुंह हमारा गंदा हुआ ना। ओके बॉस, वैसे भी आप ऐसे ज्यादा अच्छा दिखते। फिर भी ओए टोपी, चल हमसे माफी मांग। ओए मोटू, तू कहें बाबू मैंगो किसी से भी माफी नहीं मांगता। लगता है बस ये आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे माफी मांगते ही रहते हो। ओए टोपी, ठीक से सुन, चुपचाप हमसे माफी मांग। लो कर दी ना गधे जैसी बात। मतलब बस चुपचाप कैसे माफी मांगेंगे? ओ टोपी, चुपचाप माफी मत मांग, बोल कर माफी मांग, पर माफी मांग वरना। वरना क्या मोटो? वरना क्या बोल मोटो? वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बाली, बाली, बाली। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जादू से जिंदगी भर के लिए गधा बना दूं, लेकिन ऐसा करने में बालवीर और परियों को मेरे यहाँ होने का पता लग सकता है, और करामती कोर्ट मिलने से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आ गया। कौन? बल्लू? नहीं, चांस आ गया। बोलो, यहाँ हम बल्लू के टेंशन में बैठे और रॉकी छांस पे छांस पिए जा रहा है। दादाजी अब टेंशन मत लीजिए, बल्लू हमेशा तो ऐसे अपने चाचा के यहाँ जाता है और वापस आ जाता है। और हर बार देरी से आता है। लगता है बल्लू आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। लो आ गया। कहाँ था तू? अरे पड़ोस के घर में चिट्ठी दे रहा था। तू कौन है? मैं बाहर से तो पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन अंदर हूँ सलमान खान हूँ। सलमान खान से भाई चिट्ठी दे और जा। सलमान खान, सलमान खान, समझते हैं अपने आप को। आ गया, लगता है बल्लू आ गया। आजा, आजकल कहाँ रहता है तू? मैं तो शुरू से ही बोरीवली में रहता हूँ अंकल। बोरीवली? कौन है तू? सेल्समैन। अगरबत्ती चाहिए? नहीं, बल्लू चाहिए। है बल्लू? नहीं है। आ तो जाना भाई, तू चाहिए वो आता नहीं। भाई एक बार बोला ना नहीं चाहिए। दादाजी आपको बल्लू घर में नहीं चाहिए? अरे बल्लू, बल्लू बेटा तू आ गया। अरे आजा बेटा, आजा आजा अंदर आजा, चल चल, हमको कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ लो आ गया बल्लू। आजा 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 बल्लू। ये कब से हम नाश्ते में तेरी राह देख रहे थे। बल्लू मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ढोकले बनाए, बस 5 मिनट, चटनी ही बना रही हूँ। हाँ ढोकला ले, ढोकला ले, ढोकले। आ गया माँ का लाडला। रॉकी अब तू खोल। अच्छा ये ले। अरे डिब्बा नहीं, दरवाजा खोल। एक काम करता हूँ, मैं ही खोल देता हूँ। दरवाजा? अच्छा दरवाजा ले। कौन है? हाँ जी बोलो भाई। अमृतलाल डगली। अरे कमाल है, मैं भी अमृतलाल डगली। नहीं नहीं मैं अपना नाम बता नहीं रहा हूँ,
बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या है, सुबह में एक लेडी मेरे रिक्शे में बैठी और वो ये लिफाफा भूल गई। इसमें आपका नाम लिखा हुआ था, यही आसपास आपका पता पूछते हुए ये आपको देने आ गया। ओह शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये लिफाफा तो मगन भाई के पैसे वाला लिफाफा है जो मैंने बहू को दिया था, और बहू घर में भूल गई थी जो मैंने अपने कमरे में रख दिया था। तो फिर ये लिफाफा ये रिक्शा वाले के पास कैसे आया? चेक करता हूँ मेरे कमरे में लिफाफा है या नहीं। सुधा भाई, हमेशा की तरह इस बार भी ढोकले बहुत बढ़िया बने, सिर्फ इसमें नमक जरा कम है। करना पड़ेगा। दोनों लिफाफे एक सरी के? ये लिफाफा यहां कैसे आया? बापूजी वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। दोनों लिफाफे एक सरीके? नोट चेक करता हूँ, नोट चेक करता हूँ। इसमें भी हजार की, इसमें भी हजार हजार की नोट है। देखने दो, चलो। दोनों के ऊपर मेरे हाथों की लिखावट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रोहित, सॉरी सॉरी। क्यों बांध रहे हो? मैं मैंगो मैंगो खोलो। चल मैंगो मैंगो बोलो मुझे। चुप कर, नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। सॉरी। अरे बॉस सॉरी आपको नहीं, इन्हें कहना चाहिए। ओ हाँ, ओए टोपी, तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू हमसे माफी मांग रहा है या नहीं? नहीं मोटो। तो एक काम कर, नारियल के झाड़ पे तू मैंगो लटका ले, समझा? सब लोग सुन लो, अगर किसी ने इस मैंगो को खोला तो पप्पा से कहकर जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और अब मुंह मत देखते रहो, 5 मिनट में जगह खाली करो, वरना समझ गए होगे तुम लोग। चलो रोहित केवल, खोलो मुझे, ऑटो खोल। मैंगो चुप। तो कैंबो को मैंगो को बांधा तुम लोग ने? खोलो ऑटो, खोल मुझे, मैं मुकैंबो को मैंगो खोल। अब यहां से कैसे निकलो? अगर बालवीर और परियों ने मुझे यहां देख लिया तो लोग बड़ी आसानी से मुझे कैद कर लेंगे। ये देखो बापूजी, ये तो वही लिफाफा है जिसमें आपने मगन भाई को देने के लिए पैसे रखे थे। पर वो लिफाफा तो एक था, दो कैसे हो गए? लगता है बापूजी को पहले ही से पता था कि भाभी एक लिफाफा घुमा देंगी, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बनाया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा लिफाफा आया कहां से, और उसके ऊपर भी मेरे ही हस्ताक्षर है। बापूजी दूसरा लिफाफा आपको कहाँ से मिला? रिक्शा वाला देखे गया, उसने कहा कि आपकी बहू रिक्शा में भूल गई थी। नहीं, मैं सोचूं जब मैं आपके कमरे में आई नहीं तो पैसे से भरा हुआ लिफाफा वहाँ कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरह के दो लिफाफे और दुगनी रकम हमारे घर में आए कैसे? प्रैक्टिकल कुछ से दादाजी। मैं बताती हूँ दादाजी, ये पैसे आए कहाँ से? दूसरा पैसों से भरा लिफाफा हमने ही आपके कमरे में रखा था। मेहर, ये मजाक का समय नहीं है। पापा, मेहर मजाक नहीं कर रही है, यही सच है। पर मानो मेहर, तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा के मैजिकल रेड कोट से।
मानो मेहर करामती कोर्ट की तो बात नहीं कर रहे। समझ गया, जरूर स्मिता ने पैसे बचा बचा कर उस कोर्ट में रखे होंगे। क्यों सीता, सही है ना? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई पैसे उस कोर्ट में नहीं रखे थे। हाँ पापा, माँ सही कह रही है, माँ ने पैसे नहीं रखे थे बल्कि उस कोर्ट में अपने आप पैसे आ गए थे। हाँ पापा, आपने हमें बताया नहीं कि आपका कोर्ट मैजिकल कोर्ट है, उसमें जो भी विश लिख कर डालो वो सारे विशेष पूरी हो जाती है। मानो मेहर तो करामती कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन करामती कोर्ट तो मुगेम्बो गोमेंगो के पास होना चाहिए था, वो कोर्ट इनके पास कैसे आया? बेटा ऐसा मैजिकल कोर्ट कोई होता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सच बताओ और ये कहानियां बनाना बंद करो। दादाजी हम कहानियां नहीं बना रहे, सचमुच में पापा का कोर्ट मैजिकल है। हाँ मैं बताती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। बेटा अभी भी कह रहा हूँ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अगर ये करामती कोर्ट मानो महर के पास है तो मुझे वो कोर्ट जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना है। अब दादाजी मानो महर बोल रहे हैं तो हमें उस कोर्ट की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मोटा भाई लिफाफे में तो पैसे थे ना, तो फिर दूध और पानी कैसे निकलेगा? महेश रॉकी सॉरी, अभी वो कोर्ट कहाँ है? जी हमारे कमरे में। चलो जी, मानो महल के रूम में पहुंचने से पहले हम उस रूम में पहुंच जाते और वहां से मैजिकल को चुरा लेते। चलो बेवकूफ कहीं के, जाओ गेट पे जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना। मिल गया मेरा मैजिकल कोट, हम अभी उसे लेकर आते हैं। चल चल एक मिनट बच्चो, अभी तो हमें पता नहीं है तुम ये बात सच कह रहे हो या झूठ, पर अगर ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि आज के बाद हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। बड़ा मजा आ रहा है इस कोट को दोबारा पहनने के बाद। जब डंडे पड़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। बस आते होंगे। अरे आते होंगे नहीं, आ रहे हैं। भागो! ये देखो, मैं तो घर से तय कर कर ही आया था, मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। अरे बॉस अब डायलॉग बाजी बंद करो और जल्दी लिखो। हाँ इस करामती कोर्ट जैसा एक और रेड कोट आ जाए और हम तीनों यहाँ से छू मंतर हो जाए। जल्दी बॉस जल्दी। हाँ ये रहा मैजिकल कोट, अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे। चल चल। अब ये मैजिकल कोट मेरे पास है, मानो मैं अपने मम्मी पापा से साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास ये मैजिकल कोट था और जो पैसे थे इसी कोट से आए थे। मानो मेहर के मम्मी पापा अब उन्हें झूठा समझेंगे और उन्हें बड़ी आसी पनिशमेंट देंगे। हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माना चिट पे लिख कि हमें चॉकलेट चाहिए। हम सबके लिए चॉकलेट आ जाए। देखना आप सब कि कैसे इस कोर्ट से चॉकलेट्स निकलेंगे। चेक करना।
अरे स्कूल की जेब में से तो चॉकलेट बाहर नहीं आ रहे। मानो मेहर, तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे दादाजी। मानव मेहर, तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये तो शर्म आ रही है, तुम लोग पहली बार हमसे झूठ बोल रहे हो। सच्ची पापा, हमने इसी कोर्ट से निकाले थे पैसे। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। अगर ये असली करामाती कोर्ट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा। अब मानव मेहर, तुम दोनों एक और बार कोशिश करो, हो सकता है इस बार इसका जादू काम कर जाए। हाँ, हो सकता है, इतने लोगों को देखकर डर गया होगा वो। मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए। अब देखना क्रिकेट बॉल चेक कर। ये क्या हो रहा है मानव? और कितना झूठ बोलोगे मानव मेहर? तुम लोग ये भूल चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं पापा, सचमुच में ये कोर्ट मैजिकल है। उठो, जागो मैजिकल कोर्ट। अगर तुम मैजिक नहीं करोगे तो फिर सब हमें झूठा समझेंगे। प्लीज मैजिकल कोर्ट, प्लीज। बस बहुत हो गया। अभी भी कहता हूँ कि सच सच बता दो कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य झूठ बोले। आज तुमने हमारा सच्चाई और संस्कारों पर का विश्वास तोड़ दिया है बच्चों। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। रोकी चाचू, आप तो मानिए ना, प्लीज। माँ, हम सच कह रहे हैं, ये सचमुच में मैजिकल कोर्ट है। दस मानव, और झूठ मत बोलो, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों को झूठ सुनने की आदत नहीं है। दादाजी, ये मैजिकल कोर्ट है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि इस कोर्ट की एक और खासियत है, इसे जो भी पहनते हैं ये उसके साइज का हो जाता है। हाँ, ये ले, ये ले। हो रहा है ये कोट तो छोटा भी नहीं हो रहा। दस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी झूठ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद और खेलना भी बंद। और स्कूल जाना भी बंद। वैसे शिक्षक किस काम की जिसे ये अपना ही ना सकते हो। बापूजी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ये सचमुच में मैजिकल कोर्ट है। कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो मानव मेहर, वरना तुम्हें इस करामाती कोर्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता। और मैं तुम्हारा ये सच सबके सामने लाकर रहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि अगर ये करामाती कोर्ट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई साहब, बोला क्या जाला? ये खोलिए ना, कुछ शैतान बच्चों ने मुझे बांध दिया। जल्दी जल्दी खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूँ। बड़े शैतान बच्चे थे, एक बार रस्सी खुल जाना फिर उन्हें बताऊंगा कि वो कैंपो को मैं को क्या चीज है। शुक्रिया, आपने मुझे चला गया। चमत्कार, नमस्कार। अब मुझे चलना चाहिए अपने करामाती कोर्ट को ढूंढने।
आपको ये मैजिकल कोट के मिलने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए। सही बोला, चलो पिज्जा स्टोर। अरे अरे बॉस, आपके पास जब चलती फिरती दुकान है तो पिज्जा स्टोर जाने की क्या जरूरत है? केवल, तुमने बॉस को दुकान कहा? हाँ? नहीं नहीं बॉस, मैं इस मैजिकल कोट की बात कर रहा था। अगर ये है तो आप इसे विश मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। अरे हाँ, ला पेन और पेपर दे। बोलो क्या खाओगे? बर्गर मंगा, बर्गर। गर हाँ चोरी करनी है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ चोरी करनी है। चोर कहाँ से आ गया? आपकी जेब से। मेरी जेब से? अरे बॉस, आप स्पेलिंग क्या लिखी है? ला दिखाओ, जल्दी लाओ। बर्गलर! अरे बॉस, बर्गलर मतलब चोर, चोर। बॉस, बर्गलर की स्पेलिंग होती है BURGER। अरे चोरी कहाँ करनी है, जल्दी बोलो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। अरे वो बॉस हो गया। अच्छा हुआ गया, वरना मेरे हाथ से इतना मार खाता ना वो। बॉस पूरा मूड खराब हो गया। एक काम करो, पास्ता मंगवा। हाँ पास्ता। बॉस अपने स्पेलिंग क्या लिखी थी, लिखो लिखो। ये लो, इस बार मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी। PISTA। बॉस पास्ता की स्पेलिंग होती है PASTA। सॉरी बॉस, आपका दिमाग भी आपके पेट की तरह एकदम जीरो है जीरो। बस अभी आप रहने दो, मुझे दो, मैं लिखता हूँ। ठीक है। मानव मेहर, हमें तुम्हारी बातों पे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच बल्लू, पर हम घर वालों को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे? हाँ, और हमें तो उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। पता नहीं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। चाचू, हम इतनी बड़ी मुश्किल में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तो तुम्हारे सामने है। पर हमारे सामने तो आप हो। हाँ, और आप निकालेंगे हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। अरे मैं नहीं, बालवीर, बालवीर। हाँ बालवीर। मजा आ गया। वाह, ढकारने में नहीं, खाने में। बेवकूफ। बेवकूफ से याद आया कि हमने इस मैजिकल कोट से खाना मंगाया था ना। ये बॉस, ये मजे कुछ ही दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि बस अब तक मानव मेहर को पता चल गया होगा कि उनका मैजिकल कोट चोरी हो चुका है और वो सीधा बालवीर को बुलाएंगे और बालवीर को अपने जादू से ज्यादा समय नहीं लगेगा अब की पिटाई करने में, मतलब ये पता लगाने में कि मैजिकल कोट आपके पास है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे बॉस, सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो आपके पास है ही नहीं। सॉरी, एक काम करता हूँ, मैं अभी इस मैजिकल कोट से मांग लेता हूँ। दिमाग।
नहीं, मेरे दिमाग में जो ट्रिक है ना वो, वरना बालवीर मुझसे मैजिकल कोड लेकर जाएगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर! ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। बालवीर के आने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा। चाचू, बल्लू, तू कहाँ जा रहा है? बालवीर को लाने। हाँ? मेरा मतलब है कि माँ के बनाए हुए ढोकले खाने, क्योंकि जब मैं माँ के बनाए हुए ढोकले खाता हूँ ना तो मेरा दिमाग बालवीर से भी तेज दौड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ। बल्लू, बल्लू, तू उसे जाने देना, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, 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 हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ? हाँ? तुम्हें कैसे पता? वो मुझे बच्चों की मुश्किलों के बारे में पता चल जाता है ना, तो मैं तुम्हारी इस करामाती कोट वाली मुश्किल के बारे में भी जानता हूँ। तो फिर प्लीज बालवीर, ये पता करो कि करामाती कोट का जादू चल क्यों नहीं रहा है। हाँ बालवीर, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया या किसी और से वो बदल तो नहीं गया? हाँ? इस चिट में मैंने लिखा है कि बालवीर को उसके जादू से कभी पता ना चले कि ये कोट हमारे पास है और हमने इसे चुराया है। हाँ मानो मेहर, मैं अभी देखता हूँ कि उस करामाती कोट के साथ क्या हुआ। तो सिर्फ मुगेम्बो गोमेंगो ही कर सकता है। मानो मैं, वो तुम्हारे पापा का कोट नहीं था, बल्कि वो एक जादूगर का कोट था, जो तुम्हारे पापा के कोट के साथ बदल गया था। और उसी को लेने के लिए वो वापस आया था। पर अब क्या होगा? पापा को हम क्या कहेंगे बालवीर? दादाजी को सच कैसे पता चलेगा? हाँ। मानो मैं, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वालों को सब सच मैं बताऊंगा। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। लेकिन अभी नहीं, करामाती कोट मिलने के बाद। लेकिन तब तक करामाती कोट के अदला बदली के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बालवीर। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। करामाती कोट मानव मेहर के पास? हाँ माँ। और इस तरह जो कोट हमारे पास था वो मुगेम्बो मैंगो ले गया और करामाती कोट मानो के पास आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि करामाती कोट उस वक्त उसके पास नहीं था, इसीलिए वो राजा की अंगूठी चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाया था। हाँ पार्वत, लेकिन अब मुगेम्बो मैंगो के पास वो करामाती कोट है और इसलिए वो सबसे पहले फिर से उस अंगूठी को चुराने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, और मैं वहीं उसे कैद कर लूंगा। लेकिन बालवीर, वो कैसे? बताता हूं। जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई, मैंने उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे
मुगे मुगुमेंगो खुद के ही बनाए हुए जाल में कैद हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि जिस पल वो संगूठी को चुराने के लिए आएगा, वो पल उसकी आजादी का आखिरी पल होगा। ये लीजिए आप लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। ये लो बच्चों, तुम्हारा टिफिन। माँ, अपने टिफिन में क्या बनाया है? महेश, आप जाते टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दीजिए। कोई बात नहीं ना, हम खुद ही देख लेते हैं। करेला, आलू का पराठा और जलेबी। ये क्या माँ, अपने इस बल्लू लल्लू को जलेबी और आलू के पराठे दिए और हमें करेले की सब्जी? क्योंकि बल्लू तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलेगा वो सब कुछ खोए। मानो मैं, कोई बात नहीं, मुझे करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं करेले की सब्जी खा लूंगा और तुम दोनों मेरा टिफिन खा लेना। हा? नहीं बल्लो, तुम्हें जो दिया है वो तुम ले जाओ और खाओ, और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैजिकल कोर्ट से दादाजी, सच्ची, हमारी बात मानिए। फिर झूठ। ठीक है, जब तक तुम सच नहीं बताते हो तुम्हारी ये सजा चालू रहेगी। मैं आता हूँ। अरे महेश। हाँ बाबा। वो मगन भाई का घर तेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है ना? हाँ। तो ये पैसे उनको दे दे। हाँ। चल बल्लू। हाँ पापा। माँ, बापूजी, बच्चों के ऐसे उदास चेहरे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कहीं हम ज्यादा ही सख्त तो नहीं हो रहे उनके साथ? बहू, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर कभी कभी बच्चों में अच्छी आदत और अच्छे संस्कार देने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है। ये भी ठीक है, उन्हीं की भलाई है इसमें। चल मैं मंदिर जाती हूँ। मा, 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 मैं भी चलता हूँ। ले लो पुराने कपड़ों के बदले बर्तन नहीं, बिजली से चलने वाले उपकरण ले लो। साइड में खड़ा रहे। देखो उन टिड्डियों को, उनके चेहरे कैसे उतरे हुए, उनका मैजिकल कोड जो उनके पास नहीं है। नहीं बॉस, मुझे नहीं पता कि उनका मैजिकल कोड आपके पास है। चुप कर। जहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैजिकल कोड है ना, वो हमारे पास है। बॉस, आप इसे कह रहे हो कि मैजिकल कोड के बारे में मत बोल, और खुद ही मैजिकल कोड के बारे में कह रहे हो? बेवकूफ, मेरी बात ठीक से समझ लो, यहाँ पर कोई मैजिकल कोड का नाम नहीं लेगा। कि बॉस, वो है कब और आपने उसे पहना क्यों नहीं है? मतलब आपने उसे पहना क्यों नहीं? वो क्या है ना, तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हो। अगर मैं वो कोड पहन के आता तो मानो मेरे को पता चल जाता कि वो कोड मेरे पास है, इसीलिए मैंने उस कोड को बैग में रखा है। उसका जो पॉकेट है ना वो ऊपर की तरफ रखा है ताकि मैं उसके अंदर चीट डाल सकूं। अपनी सीट पे बैठो। तो बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक निकालो, आज हम कोर्ट पे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? साइलेंस। ऐसे लिखेंगे।
बॉस ये तो सच में गुड पर ऐसे लिखकर आ गया। ये किसकी शरारत है? सर ये बकरी तो खुद ही कह रही है मैं। साइलेंस। सर आप इस बकरी को पनिशमेंट दे दीजिए और इसे मुर्गा बना दीजिए। साइलेंस। सर कौन मैं या बकरी? कोई बाहर निकालो, इधर आओ, बाहर निकालो। सीट पे बैठो। चलो गोट को छोड़ो, क्लास टीचर पे ऐसे लिखो, ओके? बॉस, इस बार जल्दी ध्यान से लिखना। मैं ध्यान से पेन से लिखता हूँ। शरर पर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उसका पता लगा नहीं होगा। अरे वाह भाई साहब, वैसे तो पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं और आप ये बिजली से चलने वाले उपकरण दे रहे हो। क्या करें मेम साहब, समय खराब चल रहा है ना। हमारा मतलब है कि समय के साथ बदलना पड़ता है ना। इसकी सास कभी नहीं बदलती। तो बदलेंगे क्या इसकी सास? नहीं कपड़े। नहीं नहीं, नहीं कपड़े तो मैंने सुबह ही बदले। अरे आप हमारी योजना तो सुनिए, पुराने कपड़ों के साथ बिजली के नए नए उपकरण मिलेंगे, जैसे कि अगर पीली चादर हो। अरे ये कुर्ता है। अब हमारा मतलब है कि कोई भी पीले रंग का कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगी ये इस्त्री। जैसे कि नीले रंग की चादर। अरे ये सारी है। अरे हमारा मतलब नीले रंग का कोई भी कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगा गाने बजाने का मशीन। और अगर आपके पास हरे रंग का कपड़ा हो तो उसके बदले आपको मिलेगा ये मिक्सर। चमत्कार को नमस्कार, जाइए जाइए, आप सोच क्यों रही हैं, जाइए। मैं आप ही कपड़े लेकर आती हूँ। लेके आ रही है अभी। ये लीजिए भाई साहब, इसके बदले में जो भी मिल पाए दे दीजिए। बापूजी, ये देखिए, ये म्यूजिक प्लेयर मेहर के लिए और ये इस्त्री आपके लिए और मेरे और माँ के लिए मिक्सर ग्राइंडर। भाई साहब, ये जो वॉशिंग मशीन है उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? हाँ हाँ, मिलेगी आपको वॉशिंग मशीन, लेकिन उसके बदले आपको हमें पुराना नया छोटा या बड़ा लाल कोट देना पड़ेगा। क्यों नहीं है लाल कोट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी लेकर आती हूँ। चमत्कार को नमस्कार, तो लाइए लाइए, रुकिए। अभी लाइए, ये पकड़िए बाबूजी। ला रही हो? वाह, वो आ रहा है मेरा करामाती कोट मेरे पास।
रोटी को फेंको। ये कैसे हो रहा है? मैं जिसका भी नाम लिख रहा हूँ वो चीज कहाँ से क्लास में आ रही है? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि विद्यालय में कोई जादुई शक्ति जो ये सब जादू कर रही है, और वो कौन है मुझे उसका पता लगाना ही होगा। रही है ये देखिए लाल कोट। दीजिए दीजिए ये लीजिए। नहीं ये लाल कोट मैं नहीं दे सकती, आप अपना कुर्ता दे दीजिए। नहीं, एक, एक, लाल जूते चलेंगे। अब हमारा मतलब है कि इस इम्पोर्टेंट मशीन के बदले आप सिर्फ अपना लाल कोट दे सकते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी, अगर मैंने ये कोट दे दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमें अच्छा लगेगा। क्या? अगर आप अपने पति को बताएंगी कि आपने इस मशीन के बदले लाल कोट दिया है, वो भी पुराना, तो बहुत खुश होंगे ना। बहू दे दे। लेकिन वॉशिंग मशीन चाहिए ना। हाँ, लो। जाइए जाइए ले जाइए अपनी मशीन। मैं ले जाता हूं ये कोट। मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट और परितारा को हासिल करने की चाबी। आज भी रख, तुम मुझे अंगूठी चुराने से नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जल्द से जल्द पता लगाना कि यहाँ विद्यालय में कोई जादुई शक्ति है या नहीं। हे भटकाधिपति, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ति, दिख जाए मुझे अगर हो विद्यालय में कोई जादुई शक्ति। वाह बॉस वाह, आज पहली बार आपकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आए। खुशी के आंसू बॉस? बस हम हमेशा आप पर हंसते थे, लेकिन आज पहली बार हम आपकी वजह से किसी और पे हंसे। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये इस मैजिकल कोट के वजह से हो रहा है। चलो इसे थैंक यू बोलो। थैंक यू हमारा हाथी। हाथी सुना? साथी वो साथी। थैंक यू हमारे साथी। ओ तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, इसी खुशी में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर की पार्टी दूंगा। पूरे विद्यालय की दो बार जांच करी, लेकिन यहाँ फिर भी कोई जादू शक्ति का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ कोई जादू शक्ति का असर नहीं है तो फिर जादू कैसे हो रहा था? चाहे कुछ भी हो जाए ये कोट में किसी को नहीं दूंगा। ये कोट? मंटू ने बोले खाना कैसे मंगवाया? ये लाल कोट कहीं ये करामाती कोट तो नहीं? मंटू के पास करामाती कोट आया कैसे? मंटू, ये करामाती कोट मुझे दे दो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बालवीर की आवाज मत निकाला करो, मुझे डर लगता है ना। और हाँ, ऐसे गंदी शक्ल भी मत बनाया करो, मुझे ऐसा लगता है कि बालवीर आ गया। बालवीर आ गया मेरे पीछे। बालवीर जी आप? मोंटू ये लाल कोट मुझे दे दो। देता हूँ
ये लाल कोट चाहिए, देता हूँ देता हूँ। पर इससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ा अब भालवीर जी, वो क्या है ना, ये कोट मुझे कहीं से मिला नहीं है। ये कोट ना मैंने बस बेवकूफ, मैं तुम्हें भागने के लिए कह रहा था। मोंटू चमत्कार को नमस्कार, मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट। अभी मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। चल मेरे करामाती कोट, चल के कुछ करामत करते हैं। एक अधूरा काम बाकी है जिसे पूरा करते हैं। जाओ जाके लिखो, मैं यहां से गायब होकर उस संग्रहालय में पहुंचाऊ जहां उस राजा की अंगूठी है। संग्रहालय में क्यों नहीं पहुंचा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोड नहीं है। मैंने लिखा तो वही है, फिर भी मैं गायब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोड नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोड नहीं है तो फिर मेरा करामाती कोड है कहाँ? कहाँ है मेरा करामाती कोड? कहाँ है मेरा करामाती कोड? कहाँ है? मोंटू रुक जाओ। जी मोंटू, ये लाल कोट मुझे दे दो। ये कोई मामूली कोट नहीं, ये खतरनाक है, लाओ। ठीक है लीजिए। नहीं बालू जी, मैं आपको ये नहीं दूंगा। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं खतरों से खेलने के लिए रेडी हूँ बालू जी। मोंटू मोंटू मेरी बात मानो और ये कोट मुझे दे दो। प्लीज बालू जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये कोट नहीं देने वाला। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं इस कोट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपके जैसे बच्चों की मदद करूंगा। अच्छा, तो इस बच्चे के पास है मेरा जादुई करामाती कोट। अभी इससे अपना कोट लेता हूँ। नहीं, बालवीर के यहाँ होते हुए मैं इसे अपना कोट नहीं ले पाऊंगा। उल्टा बालवीर मुझे भी कैद कर लेगा, तो क्या करूं? जिससे कोट भी मुझे मिल जाए और बालवीर को पता भी ना चले। चमत्कार को नमस्कार, आ गई उक्ति। जा जाके लिखो कि वो जादुई करामती कोट महान मुकैमोगो मैंगो के पास आ जाए और ये मामूली कोट उस मोटे के पास चला जाए। बाय मोंटू, चाहे जो भी हो जाए
मैं तुम्हारे पास ये कोट नहीं रहने दे सकता। परी बुराई की नदी जाए सुख, मोंटू जाए रुख। मैं भूखे से क्या पालवीर जी, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। बातें वो क्या है ना, हाँ मेरे पापा गए थे कि मोंटू बेटा थोड़ा भागा कर, आजकल तेरी टोन निकल रही है। मोंटू अभी मजाक नहीं, ला ये कोट मुझे दे दो। नहीं मोंटू, आपको कोट चाहिए ये लीजिए। बालवीर जी मैंने कोट तो दे दिया, अभी सजा नहीं मिलेगी ना? सजा तो मिलेगी लेकिन बाद में, अभी तुम घर जाओ। थैंक यू, बाय। अब देखता कैसे मोगैम्बो गोमैंगो करामती कोट के बिना राजकुमार की अंगूठी को चुराता है। नादान बालवीर, अब वो करामती कोट तुम्हारे पास नहीं बल्कि महान मोगैम्बो गोमैंगो के पास है, और अब उसकी मदद से मैं वो अंगूठी चुराऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया कि वो करामती कोट मेरे पास है और मैं आजाद हूं, तो तुमने जरूर उस अंगूठी के पास सुरक्षा कवच लगा दी होगी। लेकिन अब मुझे उसे हटाना होगा, और उसकी भी योजना है मेरे पास। चमत्कार को नमस्कार। जाके लिखो कि मैं नटखट परी बन जाऊं और बालवीर से पहले परीलोक पहुंच जाऊं। को नमस्कार। बालवीर, सब तुम्हें बहुत होशियार समझते हैं ना, लेकिन अब नहीं समझेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मोगैम्बो गोमैंगो ने तुम्हें एक ही चाल में बड़ी आसानी से हरा दिया। नटखट परी, बालवीर तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? लेकिन क्यों नटखट परी? क्योंकि मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सुनानी है। अच्छी खबर यह है कि मोगैम्बो गोमैंगो पकड़ा गया है। हाँ बालवीर, और उसके साथ साथ रानी इंदुमती का वो प्राचीन हार भी हमें मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर क्या है नटखट परी? बुरी खबर यह है बालवीर की कि मोगैम्बो गोमैंगो के पास से हमें वो करामती कोट नहीं मिला है, और वो कह रहा है कि वो करामती कोट उसके पास से किसी ने बदल दिया है। तो फिर समझ लीजिए नटखट भाई, आपकी ये बुरी खबर भी अच्छी खबर में बदल गई। ये देखिए, यही है वो करामती कोट जो मोगैम्बो गोमैंगो इस्तेमाल कर रहा था। दिखा, हाँ?
आसानी से मेरे बुराई के दर्दर में फंसते जा रहा है, बेच जा रहा है। इसे तो ये भी नहीं पता कि ना ये असली करामाती कोट है और ना ही मैं असली नटखटपरी। नटखटपरी? अब मुस्कुरा रही है? नहीं, अरे नटखटपरी, आपको तो खुशी से झूमना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। हाँ हाँ बालवीर, मैं क्या, बाकी परियां भी बहुत खुश होंगी ये जानकर कि अब करामाती कोट और मोगैम्बो गोमैंगो दोनों ही हमारे पास हैं और अब परितारा पर कोई खतरा नहीं। हाँ, और उन सबके साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। बालवीर, अब जब खतरा टल ही गया है तो क्यों ना तुम संग्रहालय में उस अंगूठी के इर्द गिर्द लगाए हुए तुम्हारे सुरक्षा कवच को भी हटा दो, वरना पृथ्वीवासियों को उससे समस्या होगी। हाँ, आप सही कह रही हैं नटखटपरी, मैं अभी उस सुरक्षा कवच हटा के आता हूँ। चलो बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए नटखटपरी, मैं अभी सुरक्षा कवच हटा देता हूँ। ये तुम सुरक्षा कवच नहीं हटा रहे बल्कि अपनी जीत की आखिरी उम्मीद हटा रहे हो। नटखटपरी, सुरक्षा कवच तो मैंने हटा दिया, अब चलिए ये करामाती कोट सुरक्षा परी को लौटा देते हैं। चलिए चलो बालू। बहुत होशियार समझते हो ना खुद को बालवीर, अब कैसे बचाओगी अंगूठी मुझसे? बहुत आसानी से अब मैं अंगूठी चुरा लूंगा और जब तक तुम्हें पता चलेगा परी तारा मेरा होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, अभी तक मोगैम्बो गोमैंगो की कोई खबर नहीं मिली है। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा और वो मोगैम्बो गोमैंगो अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बालवीर, मिल गया तुम्हें करामती कोट, शाबाश बाल। लेकिन मोगैम्बो गोमैंगो कहाँ है? उसे कैद नहीं किया तुमने? खटपरी, मोगैम्बो गोमैंगो को परियों ने पहले ही कैद कर लिया है। क्या? हाँ, आपने तो मुझे बताया था। मैंने? कब बालवीर? बालवीर, मोगैम्बो गोमैंगो हमारे कैद में नहीं है। हाँ बालवीर, और नटखटपरी तो काफी समय से यही है हमारे साथ। बालवीर, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं नटखटपरी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, कुछ समय पहले आप मेरे साथ ही थी। आपने मुझे बताया कि परियों ने मोगैम्बो गोमैंगो को कैद कर दिया है और फिर मैंने आपको करामाती कोड के बारे में बताया जो जो मेरे पास था और फिर हम दोनों संग्रहालय में गए जहाँ राजा की अंगूठी रखी गई और फिर मैंने आपके कहने पे वो सुरक्षा कवच हटा दिया। क्या? आपने सुरक्षा कवच हटा दिया? ये तुमने क्या किया बालवीर?